जरा ठहरिए और सोचिए कि इस वक्त देश कितने गंभीर हालातों से गुजर रहा है। हर राज्य में हर जगह बस विरोध प्रदर्शन है और अभी आपको पता होगा कि पूरे देश में आरक्षण पर हाहाकार मचा हुआ है और सवाल यही पूछा जा रहा है क्योंकि राजनीति है कि क्या सचमुच कमजोर पड़ गई है एनडीए सरकार, विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ राजनीति है, सब कुछ चुनावी है जनाब। और मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए आरक्षण पर क्यों बट गई है एनडीए सरकार और विपक्ष ने अपना एजेंडा कैसे सेट कर लिया है। दूसरा, क्या है एससी का फैसला जिस पर इतना बवाल हो रहा है। आपको पता होगा आज भारत बंद का आह्वान था और कई जगहों पर इतना बवाल देखने को मिला कि मारपीट भी हो गई। तीसरा, कमजोर पड़ी या फिर मजबूत हुई है एनडीए सरकार, इस चीज देखने के दो पहलू हैं और वो दोनों पहलू मैं आपको बताने वाली हूं। चौथा, हरियाणा और पिछड़ा वोट से क्या कनेक्शन है। आपको पता है हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो इधर जो तारीख है उसका ऐलान भी हो गया है, तो इससे क्या कनेक्शन है। और पांचवा, झारखंड, महाराष्ट्र और पिछड़ा वोट का आखिरकार ये लिंक क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही समझने की कोशिश कीजिए कि आरक्षण मुद्दे पर क्यों आखिरकार एनडीए सरकार, जो कि गठबंधन सरकार है, वो बट गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, दलित और आदिवासी समाज ने आज भारत बंद बुलाया था और आपने भी देखा होगा विजुअल्स कि कैसे सड़कों पर लोग निकले हुए थे, कैसे आज भारत बंद कई जगहों पर, चाहे वो यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश, इतने बड़े बड़े राज्यों में उसका असर था। और ये क्यों हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के कोटा के अंदर जो ये कोटा वाला फैसला है उससे लोग नाराज थे और ज़्यादातर दलित और आदिवासी यानी एससी एसटी ओबीसी, तो इन सब ने नाराजगी जाहिर करने के लिए अपना पूरा ये प्रदर्शन किया और इसमें फिर राजनीति भी हुई। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इनका साथ दिया। बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी में भारी बवाल हुआ और मैं आपको बता दूं कौन कौन सी पार्टीज, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झाजुमो, ये सब लोग एक साथ आ गए एक सुर में, सब ने आज भारत बंद का समर्थन किया और कई जगह पे चीजें खुली हुई भी थी लेकिन इन राज्यों में हाई अलर्ट था। और तो और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और जो सबसे बुरी बात है बीजेपी के लिए, एनडीए सरकार के लिए, जिसको विपक्ष ने भी एक मुद्दा बनाया कि चिराग पासवान, जो कि खुद एनडीए सरकार के हैं, जिनको मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो ऐसे 2 बार हो चुका है जो सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। सबसे पहले तो जो उनकी पार्टी है एलजेपीआर और चिराग पासवान, उन्होंने भारत बंद का समर्थन कर दिया, यानी अपनी सरकार के विरुद्ध जाकर भारत बंद का, आरक्षण के मुद्दे पर और दलित समाज के मुद्दे पर उन्होंने ये पूरा जो कॉज था उसको समर्थन कर दिया और अपनी सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ चले गए। और जो ये लेटरल एंट्री वाला मुद्दा था, आपको पता है पूरा शो करके मैंने बताया है कि कैसे लेटरल एंट्री, जो यूपीएससी में सीधी भर्ती सरकार करवाना चाहती थी, तो उस पर जैसे ही बैकफुट पर हुई, जैसे ही वो सारे पद जो सरकार ने निकाले थे यूपीएससी के लिए, तो उन सबको वापस ले लिया और उसके बाद विपक्ष ने कहा कि देखिए हमारी जीत है, कि कैसे लेटरल एंट्री वाले फैसले को सरकार को वापस लेना पड़ा। उस वाले विवाद में भी विरोध में उतर गए थे चिराग पासवान, उन्होंने कहा था कि सरकार जो ये कर रही है वो गलत कर रही है और उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला वापस ले लिया। और तो और आप भूले नहीं होंगे 69,000 यानी 69,000 भर्ती मामले में भी एनडीए के अंदर पड़ गई है फूट। और मैंने पूरा शो करके आपको समझाया था कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य, जो कि खुद बीजेपी के हैं, अनुप्रिया पटेल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, निषाद पाटी, राजभर, ये सब इस मामले में खिलाफ में उतर आए थे। योगी सरकार ने जो ये आरक्षण घोटाला कहा जा रहा था, विपक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा था कि भैया आरक्षण छीनना चाहती है मोदी सरकार, एनडीए सरकार, तो उसके खिलाफ उनके खुद के ही एनडीए वाले उतर गए। और देखिए नीतीश भी आरक्षण के पक्ष में है, आपको पता होगा, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव विपक्ष ने बना दिया है कि मोदी सरकार आरक्षण के पक्ष में नहीं है और वो संविधान को बदलना चाहती है। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष का नैरेटिव काम आ गया है वोट्स के द्वारा। नीतीश भी आरक्षण के पक्ष में, टीडीपी का भी, आपको पता है मुस्लिम वोट बैंक,
आपको पता है गठबंधन सरकार चल रही है, आपको ये भी पता है कि कैसे विपक्ष तंज कसता है कि गठबंधन सरकार इस बार यानी बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही करने जाएगी तो नीतीश कुमार और TDP, क्योंकि अच्छी खासी संख्या है उनकी सरकार में, तो वो लोग ऐसा करने से उनको रोक देंगे। अब देखिए, पिछड़े समाज में पिछड़ती जा रही है बीजेपी, और ये एक बार नहीं कई बार प्रूफ हो चुका है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो लोकसभा चुनाव का है, जहां पर पिछड़ा जो वोट है वो ज्यादातर इंडिया गठबंधन को मिला, और कई सीटें ऐसी बीजेपी पिछड़ा वोट के कारण हार गई। अपने ही बार बार उठा रहे हैं सरकार में आवाज, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि कैसे गठबंधन सरकार में ही जब से 4 जून की सरकार बनी है तब से अपने ही उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यही है कि बीजेपी को गठबंधन सरकार में क्या घाटा हो रहा है? क्या बीजेपी जो कुछ फैसले लेना चाह रही थी वो अपने साथियों के चक्कर में नहीं ले पा रही, और अगर ले लेती है तो क्या ये जो पूरी की पूरी NDA सरकार है जैसा कि विपक्ष दावा करता है, क्या वो खतरे में आ सकती है? दूसरा देखिए कि आखिरकार ये जो भारत बंद का आह्वान हुआ था, और आज जो हर जगह हमने विरोध प्रदर्शन देखे, कैसे हमने लाठीचार्ज देखा, कि कैसे पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, जो लोग ये पूरा का पूरा विरोध कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या था जिस पर ये पूरा बवाल हो रहा था? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अब कोटे के अंदर कोटा भी हम अप्रूव करते हैं, राज्यों को कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, राज्य अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई एक तो SC कैटेगरी होती है, लेकिन उसमें भी जो डिविजन्स होते हैं और जो उसमें भी लास्ट डिविजन होता है जिसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले तो राज्य सरकार अपने हिसाब से कोटे के अंदर कोटा दे सकती है डिफरेंट जातियों को। तो देखिए, SC ST के लिए सब कैटेगरी बना सकते हैं राज्य, विधानसभाएं अपने हिसाब से कानून बनाने में सक्षम है, और SC ST में भी क्रीमी लेयर, आपको पता है क्रीमी लेयर एक बहुत बड़ा विवाद है कि जो SC कम्युनिटी से आते हैं और अगर वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, उनका जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया है, तो आखिरकार उन लोगों को SC ST आरक्षण में क्यों रखा जाए? इसके खिलाफ आवाज उठती है, और SC ST में जो ये क्रीमी लेयर है उसकी पहचान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी क्रीमी लेयर वाले हैं हम उनको हटा देंगे, यानी अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, SC ST से आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, और इसी के खिलाफ पूरा का पूरा ये समाज है वो उतर आया है। SC ST में क्रीमी लेयर के लिए राज्य नीति बनाए, ऐसा सरकार का, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। समानता हासिल करने का यही एकमात्र असल तरीका है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन इससे दलित समाज खुश नहीं है, और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने ये पूरा का पूरा भारत बंद किया। अब तीसरा देखिए, सवाल यह है कि क्या सच में कमजोर हुई है कि मजबूत हुई है NDA सरकार? अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछती हूं। विपक्ष का दावा है कि जल्द से जल्द गिर जाएगी गठबंधन सरकार, क्योंकि इनके आपस में ही फूट पड़ रही है। NDA सरकार को पलटने पड़े 5 बड़े फैसले, मैंने पूरा शो करके आपको बताया है कि कैसे लेटरल एंट्री हो, चाहे 69,000 भर्ती हो उस पर योगी सरकार ने अपनी गलती मानी, चाहे इंडेक्सेशन को बहाल करना हो टैक्स में, जो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इंडेक्सेशन हम हटा देते हैं, और उस हटाने से ये हो रहा था कि जनता को घाटा हो रहा था, जनता को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था सरकार को, तो फिर जब इतनी आवाज उठी, जब विपक्ष ने मुद्दा बनाया, जब एक एक करके, इनफैक्ट हमने भी शो किया था, तब उसके बाद सरकार ने कहा कि चलो आपको ऑप्शन दे देते हैं, इंडेक्सेशन को हम बहाल कर देते हैं, अपना फैसला वापस ले लेते हैं। तो देखिए, बैकफुट पे, ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा जब मोदी सरकार किसी फैसले पर बैकफुट पर आई हो। एक सबसे बड़ा उदाहरण था फार्म लॉज, और उसके बाद देखिए कुछ फैसले, वक्त संशोधन बिल, इसको लाई, इसमें सुधार लाई, लेकिन वो जो है वो JPC में अटक गया, क्योंकि वो पास ही नहीं हो पाया। विपक्ष की इतनी ताकत थी, विपक्ष की इतनी आवाज थी कि उसकी जांच करने के लिए उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना पड़ा, वरना अभी तक अगर बीजेपी के पास अच्छी खासी संख्या होती तो वक्फ संशोधन बिल अभी तक पास हो गया होता। और देखिए, दूसरा है, पांचवा है, माफ कीजिएगा, ब्रॉडकास्टिंग बिल। ब्रॉडकास्टिंग बिल यानी जितने भी कंटेंट क्रिएशन हो रहा है यूट्यूब पे, एक्स पे, इंस्टा पे, उन सब पे सेंसरशिप लगाना चाहती थी सरकार, लेकिन वो बिल भी वापस लेना पड़ा, और अब नए तरीके से ये बिल आएगा। तो जब इतने सारे मुद्दों पर बैकफुट पर आ गई, तो विपक्ष तो यही कहेगा कि देखिए हमारे विपक्ष की आवाज, हम मोदी सरकार को उनके मनमानी करने से रोक रहे हैं, जनता समर्थन में नहीं तो नहीं होगा वो काम। लेकिन इससे एक दूसरा मैसेज भी तो आ रहा है कि अगर जनता को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, कोई नीति पसंद नहीं आ रही है, और मोदी सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है,
उनकी बात को सुन के कुछ बदलाव कर रही है, तो ये कमजोरी है या फिर ये मजबूती है? आपसे सवाल है, अगर फैसलों में सुधार करना है तो ये मजबूती है सरकार की कि फिर ये कमजोरी है? अगर आपकी बात मानी जा रही है तो ये मजबूती है कि कमजोरी है? साथियों की बात मानना, अगर एनडीए सरकार में, गठबंधन सरकार में उनके साथी किसी चीज से नाखुश हैं, तो इसको मानना मोदी सरकार की, उस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देना मजबूती है या कमजोरी, ये आप डिसाइड कीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आरक्षण के लिए पीएम मोदी का एक पत्र बड़ा संदेश देता है। मैंने आपको कल ही वो पत्र बताया था कि जब लेटरल एंट्री पे यू टर्न ले रही थी सरकार, तो उन्होंने यूपीएससी को ये पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देखिए, वैसे तो जो हमने पोस्ट निकाली थी उसमें रिजर्वेशन का कोई कानूनी नियम नहीं है, क्योंकि वो सिंगल सिंगल पोस्ट थी। रिजर्वेशन, आप कभी भी बल्क में जब पोस्ट निकलती है तो उसमें रिजर्वेशन दिया जाता है एक ही डिपार्टमेंट पे, लेकिन ये जो पोस्ट निकली थी वो तो अलग अलग सिंगल सिंगल पोस्ट थी, तो इसमें कानूनी नियम नहीं है। फिर भी अगर जनता को लगता है और अगर जितनी भी आवाजें उठ रही हैं उनको लगता है और प्रधानमंत्री मोदी खुद चाहते हैं कि सोशल इनजस्टिस ना हो, इक्वालिटी रहे, और तो और जो रिजर्वेशन मिलता है उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़खानी ना हो, ये सब प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, ऐसा उस पत्र में लिखा हुआ था, तो अब ये मजबूती है या कमजोरी, ये आपको सोचना है। फिर देखिए, आगामी चुनावों में होगी असली अग्नि परीक्षा, क्योंकि ये सब जो कुछ चल रहा है, विरोध प्रदर्शन, आपको पता है कई मुद्दों पे चल रहा है। एक तो आरक्षण पे बंद बुला लिया गया, आपको पता है पूरे देश में अभी इस वक्त महिला सुरक्षा को लेकर क्या हालात बने हुए हैं, उस पर पूरा शो मैंने किया हुआ है कि कैसे कोलकाता कांड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, कैसे महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, यूपी तक, हर जगह बवाल है महिला सुरक्षा पर, और उसमें भी कहीं ना कहीं खूब राजनीति हो रही है। खैर, अभी मेरा मुद्दा आरक्षण का है तो मैं उस पर आपको बता रही हूँ कि आगामी चुनावों में होगी असली अग्नि परीक्षा, कि ये जो सब कुछ हो रहा है देश में, ये वोट बैंक में कैसे तब्दील होता है, और ये जितने भी राजनीति वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि चुनावों में कैसा वोट बैंक हमने क्रिएट किया है। दलित और आदिवासी समाज बीजेपी के विरोध में, और ये आपको पता है लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा है कि कैसे लोकसभा में दलितों ने अपना ज्यादातर वोट इंडिया गठबंधन को दिया और बीजेपी और एनडीए गठबंधन को नहीं दिया, उनसे थोड़ा सा दूर हो गए। क्या जातिगत जनगणना अब होकर रहेगी? आपको पता है राहुल गांधी कब से ये आवाज उठा रहे हैं, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कब से ये आवाज उठा रहा है कि जातिगत जनगणना जरूरी है, और इनफैक्ट जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे आप जेडीयू को ले लीजिए, एनडीए सरकार में है वो अलग बात है, चाहे आप कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ले लीजिए, सब लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है। अब देखिए, दलितों के बूते पर ही होगी विपक्ष की जीत, ये सवाल है, क्योंकि दलितों के मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने अपना मेन ब्रह्मास्त्र बना लिया है। राहुल गांधी जाते हैं कहां मिलने, अमेठी में दलित परिवार से, और उनकी पूरी की पूरी राजनीति, यानी कांग्रेस की पूरी राजनीति और अखिलेश यादव की पूरी राजनीति दलित वोटों पर केंद्रित है, और कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरा भरोसा है कि भैया ये ही किंग मेकर हो सकता है। चौथा देखिए, हरियाणा और पिछड़ा वोट से क्या कनेक्शन है? अब आपने जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ अभी इस देश में चल रहा है, आपको मैं ये रियलिटी चेक दे दूं कि ये सब इसका जो है चुनावी कनेक्शन है, क्योंकि कितना भी कोई भी अगर राजनीतिक दल जहां पर एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं से आपको पता है चुनावी कनेक्शन निकलता रहता है, और इसमें भी कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो आप कुछ चीजें देखिए, 17 सीटें एससी समाज के लिए आरक्षित है, कहां पर? हरियाणा में। जाट के बाद राज्य में सबसे निर्णायक वोट किसका है? हरियाणा में। इधर एससी समाज का है, दलित समाज का है, तो आप देखिए हरियाणा चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर विपक्ष को एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी को एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो ये गुणा भाग है ना, ये जो गणित है, ये चुनाव है, वो ही इधर केंद्रित है। लोकसभा में इस वर्ग का मोह बीजेपी से कुछ भंग हुआ था, आपने भी देखा था, हरियाणा में ओबीसी समाज 21% के करीब है, तो आपको नहीं लगता कि जो पूरा वोट बैंक है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है जो इस वक्त देश में हो रहा है? लेटरल एंट्री और आरक्षण मुद्दा बीजेपी पर हावी हो चुका है, और इसलिए ही अभी काफी पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हरियाणा इस बार बीजेपी के लिए बहुत टफ होने वाला है, और इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि भैया इस बार हमारी सरकार वहां पर तय है। इंडिया का सेट है दलित वाला एजेंडा, और उनका पूरा आत्मविश्वास कायम है। यूपी में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट है,
उनको भी अपनी दलित राजनीति पे बहुत ज्यादा वो है और वो कहते हैं कि हमारा फॉर्मूला हिट है। और अब जो ये यूपी के उपचुनाव हैं उसमें अखिलेश को पूरा भरोसा है कि हम कमाल कर देंगे। पांचवा देखिए, झारखंड महाराष्ट्र और पिछड़ा वोट का क्या लिंक है, इधर भी आ जाइए क्योंकि इधर भी विधानसभा चुनाव है। झारखंड में ओबीसी वर्ग की आबादी 55% है, 55%। तो आप देख लीजिए झारखंड की तो पूरी राजनीति ही दलित वोटों पर टिकी हुई है। दलित 16.33% और आदिवासी 28% के करीब है। पिछड़े समाज के इर्द गिर्द घूमती है पूरी की पूरी राजनीति। और झारखंड में आपको भी पता है कि कैसे ऑपरेशन लोटस यानी ऑपरेशन कमल फेल हो गया है। चंपई सोरेन ने छोड़ तो दी पार्टी, कौन सी JMM, बगावत कर तो दी, और बीजेपी को पूरा भरोसा था कि भाई हमारे पाले में आ जाएंगे। हम लोगों को भी यही लग रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने चल दिया कि अब मैं नई पार्टी का ऐलान करता हूं और जो भी दोस्त मिलेगा उसके साथ गठबंधन कर लूंगा। महाराष्ट्र की अब मैं बात कर लेती हूं तो वहां पर तकरीबन 10% दलित आबादी है। तो ये जो आबादी है इस वक्त किंग मेकर का काम कर रही है, और इसलिए जो ये राजनीति हो रही है किसी भी राज्य में, चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो चाहे वो राजनीति हो, वो इस तर्ज पर हो रहा है। और कभी कभी सवाल मन में आता है कि ये सब कुछ जो अन्याय चल रहा है, ये सब कुछ जो विरोध हो रहा है, ये सब कुछ जो गलत हो रहा है, वो सब कुछ जो सिस्टम की नाकामी है, तो इसमें जनता सिर्फ वोट बैंक बन के क्यों रह गई है? क्यों सिर्फ वो राजनीतिक दलों के हिसाब से यूज हो जाती है? क्यों राजनीतिक दल अपनी राजनीति के हिसाब से चुनता है किस विरोध में जाना है, किस पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है, और जनता फिर उनका वोट बैंक ही बन जाती है? लेकिन असल में ये बदलाव कब होगा, असल में आपकी समस्या कब दूर होगी, ये आपसे भी मेरा सवाल है और इस पर आपको भी सोचना चाहिए। जातिगत जनगणना पर विपक्ष का विरोध अभी तक भी जारी है, वो लोग इस मुद्दे पर टिके हुए हैं। लेकिन अगर ये हो जाती है तो देखिए विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इन्होंने ये मुद्दा बहुत लंबे समय से उठा रखा है। लेकिन इस वक्त जो पूरे देश में चल रहा है और कैसे इसका हरियाणा, चाहे महाराष्ट्र, चाहे झारखंड, चाहे जम्मू कश्मीर और चाहे यूपी उपचुनाव और बिहार में भी होने वाले उपचुनाव, इस सब में कैसा असर पड़ेगा, वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। आप लोग ये जो मैंने आज सवाल पूछे हैं इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आप एक इस्तेमाल का पात्र नहीं बने। आप News 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।